आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उत्तपम। उसके लिए आपको चाहिए 150 से 200 ग्राम रवा, थोड़ा सा हरा धनिया, एक मध्यम आकार का टमाटर, एक मध्यम आकार का प्याज, एक छोटा सा चुकंदर, छोटा एक शिमला मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी, नमक और 1 कप खट्टा दही। अब आप इन सब सब्जियों को बहुत बारीक चॉप करके इस सूजी को एक पैन में डालें। ये देखिए आपकी सब्जियां इतनी बारीक आपको चॉप करनी है, बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो इसे फूड प्रोसेसर में चॉप कर सकते हैं। अब इसमें करीब इतना 2 चम्मच के करीब बहुत बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें और सूजी डाल दें, जो आपकी सूजी है वो सारा डाल दें। 1 बड़ा चम्मच नमक इसमें डाल दें। वैसे नमक आप बाद में भी आगे ज्यादा कम कर सकते हैं, फिलहाल इसमें इतना ही डालें और ये दही जो है वो इसमें डाल दें। और अब आप इसे इस तरह से मिक्स कर दें, ये आपका इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसमें खट्टा मट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए, अगर मौसम गर्म है तब तो 4 घंटे इनफ है, अदरवाइज अगर मौसम थोड़ा सर्द है या मतलब बारिश वगैरह का है तो आप इससे कम से कम 6 घंटे के लिए किसी चीज से ढक के ऐसे ही बाहर रख दें, फ्रिज में ना रखें। आपका ये पेस्ट तैयार है, 6 घंटे के बाद आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए अब आपका ये पेस्ट इस तरीके से तो रेडी हो गया है बनाने के लिए। इसको मैंने 8 घंटे फर्मेंटाइज किया है, पूरा 8 घंटे इसको अलग बाहर गर्म, थोड़ा सा आजकल तो इतनी गर्मी है जरूरत नहीं है, आप इसे अलग कहीं पे रखें गर्म जगह पर, इनफ काफी मतलब हो जाता है ये इतना ज्यादा फर्मेंटाइज। अब आप ये देखिए तवा इतना गर्म हो जाना चाहिए, आप इसके ऊपर इसे फैला दें। थोड़ा थिक रहता है ये, उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं, कम नहीं रहता है। इसे हाथ से आप फैलाएं, छोटे छोटे ही बनाएं, बहुत ज्यादा बड़े ये दिक्कत करते हैं थोड़ा अलटने पलटने में। छोटे छोटे बनाएंगे ना ये, आप एक ही तवे पे इसे एक से ज्यादा फैला सकते हैं, और थोड़ा सा मोटा ही इसे आप फैलाएं। ये देखिए इस तरह से आप इसे फैला सकते हैं दो। अब आप इसे तेज आंच पे थोड़ा 2 मिनट के लिए तेज आंच कर लें, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच, ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप इन्हें पलट दें, इस तरह से पलट के इन्हें 5 मिनट और सेकने दें, बिल्कुल हल्की 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 आंच पे आपके ये रेडी हो जाएंगे। अब आपके दोनों उत्तपम, रवा उत्तपम बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब आप इन्हें सर्व करें, और आप इन्हें सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और जैम के साथ भी खाया जा सकता है। मैंने आपके लिए हरी चटनी की और मूंगफली की चटनी की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसमें इन दोनों रेसिपीज को भी देख के इसके साथ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज कोई कमेंट करें, और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में या इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं ट्राई करूंगी आपकी सारी जो भी आपकी है बात उसे पूरा करने का। थैंक यू।